मेहंदी में जिस फराज खान के साथ एक पत्नी के रोल में देखा गया था रानी मुखर्जी को अपनी डेब्यू फिल्म के बाद, मेहंदी फिल्म में रानी मुखर्जी को जिस किरदार के लिए काफ़ी ज़्यादा तारीफ मिली थी, आज हम आपके बीच उसी फिल्म के बारे में बात करते हुए जानकारी ये ज़रूर देना चाहेंगे कि फराज खान के गुजरने के बाद स्थिति बहुत तकलीफ देह है, बहुत ज़्यादा दर्द भरी है। फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर से शोक में डूबी हुई है। रानी मुखर्जी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहती, इस कारण से रानी मुखर्जी के बारे में ये बताना मुश्किल है कि रानी वाकई में फराज के लिए क्या महसूस कर रही हैं, क्योंकि उनके ऑन स्क्रीन पति रह चुके थे फराज। उस फिल्म में भी रानी मुखर्जी ने फराज खान को खो दिया था और पति के निधन पर वो काफ़ी भावुक हुई थी। खैर, उसे फिल्म की कहानी थी, लेकिन रियल लाइफ में जिस विलेन का रोल प्ले करने वाले फराज ने लोगों के दिलों में जगह बनाई, उनकी बात हो रही है, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि वाकई में फराज खान एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने रानी को भी पहचान दी। पति पत्नी की इस जोड़ी ने एक सीख समाज को दिया था। आज फरहान के गुजरने के बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव ना रहने वाली, सोशल मीडिया पर नहीं रहने की वजह से रानी मुखर्जी की बात हो रही है, क्या रानी उनकी आखिरी झलक देखने जा पाएंगी? नहीं। ये भी दुख भरी खबर है कि रानी के लिए हालत ख़राब है, क्योंकि रानी मुखर्जी चाहकर भी उन्हें देखने नहीं जा सकती है। बताना हम आपको चाहेंगे कि रानी मुखर्जी जो हैं फराज खान के साथ जब फिल्म में नज़र आई थी, मेहंदी फिल्म में, तो उन्हें देखकर लोगों ने ये एक प्रेडिक्शन किया था कि ये जोड़ी आगे भी काम करेगी। अफसोस, रानी और फराज ने फिर साथ काम नहीं किया और इनकी दोस्ती भी वहीं ख़त्म हुई। नेशनल न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।